गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज जो है हम हमारी जो कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के ये देख रहे हैं और इस कविता को हमने शुरू किया है और हमने देखा कि जो पक्षी है वो मनुष्य से कह रहा है कि उसकी जो स्वच्छंद उड़ने की जो आजादी है वो उससे न छीने, भले ही वो जो है नीम की कड़वी जो निमोरी है वो खाकर वो खुश है, संतुष्ट है, तुम जो उसे जो अच्छी अच्छी चीजें दोगे पिंजरे में बंद कर वो उसे पसंद नहीं है, भले ही वो जो है नीम की कड़वी निमोरी खाता है तो भी उसके अंदर वो संतुष्ट है। उसका कहना है कि तुम जो है उसकी आजादी मत छीनो, ठीक है। आज उसके आगे का भाग देखेंगे तो देखिए अब जो है अगली जो पंक्तियां हैं वो आज देखने वाले हैं। तो देखिए, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नव की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, होती सीमाहीन क्षितिज से पंख इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनुति सांसों की डोरी। और अगली पंक्तियां है, नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कवि है शिवमंगल सिंह सुमन। तो देखिए अब हम जो है इन पंक्तियों के अंदर जो नए शब्द आए हैं उसका अर्थ समझते हैं। तो देखिए शब्द है अरमान यानी इच्छा अभिलाषा, ये कुंडी जो है हमारे पहले जो हमने वीडियो देखा है उसमें अर्थ आ गया है, कुंडी यानी क्या, पेड़ की ऊंची डाल, अरमान यानी इच्छा या अभिलाषा, तारक यानी तारे, क्षितिज यानी जहां धरती आकाश मिलते प्रतीत हो, होला होली यानी क्या, स्पर्धा या मुकाबला, छिन्न भिन्न यानी तोड़ देना, आकुल यानी क्या, व्याकुल होना, बेचैन होना, विघ्न यानी बाधा, ठीक है। तो देखिए अब जो है हम कविता की पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। देखिए, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुभते तारक अनार के दाने। इन प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि पक्षी के भाव जो है बता रहा है, उसके शब्द बता रहा है कि जो है पक्षी कहता है हमारे अरमान थे कि हम नीले आकाश की सीमा पार कर तारों को जो है अपनी चोंच में चुभ कर ले आए। पक्षी क्या चाहता था कि जो आसमान है उसकी जो सीमा है उसको जो है पार कर कर जो है जो तारे दिखते हैं आसमान में उन तारों को जो है अपनी चोंच में चुभ कर जो है हम ले आए, ऐसा जो है पक्षी चाहते थे। और आगे कह रहा है पक्षी, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। इन प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से पक्षी कहता है कि जब सीमाहीन आसमान से हमारे इन पंखों की होड़ लगती तो या तो हम क्षितिज तक पहुंच जाते, क्षितिज यानी क्या, जो जहां पर जो है हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो है आसमान और धरती जो है जमीन और आसमान जो है क्या है मिल गए हो, ऐसा जब जो प्रतीत होता है उसे जो है क्षितिज कहते हैं। तो पक्षी कहता है कि हम जो है आसमान जो होता है जो उसकी जो सीमाहीन आसमान है जिसकी कभी कोई सीमा नहीं है खत्म होने की, वो सीमाहीन आसमान से जो है हमारे इन पंखों की होड़ लगती, या तो जो है हम क्षितिज तक पहुंच जाते या हमारी सांसें ही तन जाती, अर्थात हम थक कर चूर हो जाते, ये जो है पक्षी कह रहा है, पंछी कह रहा है। अब देखिए आगे, नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, पंख लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इन पंक्तियों के माध्यम से पक्षी कहता है कि तुम चाहे हमें घोंसला न दो, चाहे पेड़ की डाल का आश्रय न दो, लेकिन अगर हमें पंख दिए हैं तो कम से कम जो हमारी उड़ान है
उस उड़ान में बाधा न बनो। और पक्षी जो है मानव से कह रहा है कि हे मानव, स्वच्छंद उड़ान का जो है हमारा अधिकार है वो हमसे मत छीनो। ऐसा जो है पक्षी जो है पंछी जो है किससे कह रहा है, मनुष्य से कह रहा है। इस तरह से ये जो पूरी कविता हमने देखी है, और इस कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने पिंजरे में कैद पक्षी के माध्यम से गुलाम देश के लोगों की पीड़ा का वर्णन किया है। जिस प्रकार सोने के पिंजरे में बंद पक्षी स्वादिष्ट भोजन मिलने पर भी दुखी रहता है, उसी प्रकार गुलामी में मनुष्य भी कभी सुखी नहीं रह पाता। पक्षी मनुष्य से प्रार्थना कर रहा है कि उससे उसका स्वच्छंद उड़ने का अधिकार मत छीनो। पक्षी के मन का दर्द जो है इस कविता में कवि शिवमंगल सिंह ने जो है बताया है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर कुछ नए शब्द आए हैं, उनको आपको हाईलाइट करके लेना है। तो देखिए, आपको हाईलाइट करना है शब्द किरणसी, किरणसी। किरण सी, इसके बाद आपको शब्द हाईलाइट करना है क्षितिज, उसके बाद आपको हाईलाइट करना है शब्द होरा हो, अगला जो शब्द है सांसो, सांसो, और आश्रय शब्द है आश्रय, इसे क्या हाईलाइट कीजिए आश्रय, छिन्न भिन्न, छिन्न भिन्न। और शब्द है अंतिम विघ्न, ये जो है नए शब्द है। तो देखिए, ये जो नए शब्द दिए गए हैं ये आपका होमवर्क है, और ये जो नए शब्द आपको दिए गए हैं ये आपका क्लास वर्क है, इसे जो है आपको 3 बार लिखना है। ठीक है, इस तरह से ये जो पूरा जो पूरी जो कविता है ये हमने देखी है, इसके आगे का जो भाग है वह हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।